हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं रेंज वाला टॉपिक। तो आज हम अलग मेथड देखेंगे कुछ। तो हम मेथड का नाम लिख लेते हैं, दैट इज फाइंडिंग रेंज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये ज्यादा अलग मेथड नहीं है, जो हमने वो किया था, क्या बोलते हैं अपना कंपोजिट फंक्शन वाला, सिमिलर उसी टाइप का है। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, हम देखो हमारा कोई एक्सप्रेशन दिया होगा बड़ा सा, ठीक है, उसमें हमारा वेरिएबिलिटी पार्ट अलग अलग जगह दिया होगा। देखो उधर मैंने बेसिक मैनिपुलेशन में क्या बोला था कि जो वेरिएबिलिटी पार्ट है कम से कम जगह चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब इधर क्या है कि जो वेरिएबिलिटी पार्ट है वो ठीक है अलग अलग जगह है माना, बट वो वेरिएबिलिटी पार्ट सेम होना चाहिए। समझ में आया? देखो जैसे कि मैंने ऐसे लिखा, देखना, जैसे मैंने लिखा साइन 2x, चलो एक मिनट, ऐसे लिखा मैंने कॉस 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी वेरिएबिलिटी जगह इधर और इधर वेरिएबिलिटी है, इधर तो क्या हमारा वेरिएबिलिटी भी अलग है। अब मैं क्या चाहूंगा कि वेरिएबिलिटी सेम हो भले ही अलग अलग जगह हो। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो पहले मैं स्टेप्स लिख लेता हूँ इसके। पहला स्टेप क्या है, ऑल द वेरिएबल पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन शुड बी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि जो वेरिएबिलिटी पार्ट हो वो सिंगल वेरिएबल हो पूरे एक्सप्रेशन में, या फिर मैं बोलूं अगर नहीं दिया तो वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू, और क्या लिखेंगे, और इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल फंक्शन और एक्सप्रेशन। समझ में आया बच्चों क्या है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो जैसे मैंने एक ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ तो दिया, लेट्स से मेरा फंक्शन। देखो इसका मकसद क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है ना, इसमें बेसिकली क्या है ना कि हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिया होगा, हमें चाहिए कि वो जो एक्सप्रेशन हो ना वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हो जाए। तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबिलिटी पार्ट है ना, आई वॉन्ट कि जो वेरिएबिलिटी पार्ट हो अलग अलग जगह वो सेम हो, सो दैट जो वेरिएबल पार्ट है मेरा उसको मैं एक स्मॉल टी मान लेता हूँ, कोई वेरिएबल मान लेता हूँ लेट्स से टी, सो दैट जो एंटायर एक्सप्रेशन होगा ना वो मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हो जाएगा, तब फिर मेरा रेंज कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैं? देखो जैसे इस एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, जैसे मैंने लिखा कि ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, तो अभी तो देखो ये बहुत बल्कि सा एक्सप्रेशन लग रहा है, क्योंकि अगर एक्सपेंड करोगे ये बहुत बड़ा टर्म आएगा, बट एक मिनट के लिए अगर मैंने मान लो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैंने टी बोल दिया इधर, तो देखना क्या लिखा हो रहा है मेरा, जैसे ये लिखा है टी प्लस 1 प्लस 1 बाय टी प्लस टी प्लस 1 टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एज कंपेयर टू दिस इज सिंपल। समझ में आया? तो इधर बेसिकली था क्या, जो वेरिएबिलिटी पार्ट थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखा था प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हो जो वेरिएबिलिटी पार्ट थी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो अलग अलग जगह थी बट वो वेरिएबिलिटी पार्ट तो सेम थी, तो वही ये बोल रहा है, देखो ऑल द वेरिएबल पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन शुड बी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो पहला स्टेप तो ये हो गया हमारा, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब हमने देख लिया कि हमने वेरिएबिलिटी, जो पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन है उसमें हमने वेरिएबिलिटी पार्ट देख लिया, वो वेरिएबल पार्ट अलग अलग जगह रिपीट हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी रिपीट हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। तो मैं क्या करूं, जो वेरिएबिलिटी पार्ट है उसको लेट से मैंने एफ एक्स बोला, तो उस एफ एक्स को मैं टी मान लेता हूं। तो मैंने क्या बोला, जो वेरिएबिलिटी पार्ट है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, लेट द वेरिएबल पार्ट इज एफ एक्स। मान लो जो वेरिएबल पार्ट है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो एफ एक्स मान लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन है वो मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे तो उस एफ एक्स को एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ टी। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, थर्ड स्टेप, लेट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, ये मेरा क्या था जी ऑफ एक्स, सुनना ध्यान से। अब मेरा जब मैं एफ एक्स को टी रखूंगा, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी रखा, तो मेरा जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, टी का फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा, और मुझे इसी फंक्शन की रेंज निकालनी है। अब सुनना क्या करेंगे हम, पहले तो मैंने उसको एफ एक्स को टी मान लिया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा फोर्थ स्टेप देखना, अब मैं इसकी टी की अलाउड वैल्यूज देखूंगा, मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स देखूंगा, क्या देखूंगा, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, पहले मैंने क्या देखूंगा एफ एक्स का रेंज देखूंगा, दैट इज टी। अब जो एफ एक्स की रेंज आई विच इज वैल्यूज ऑफ टी, वो टी मेरा क्या करेगा, डोमेन का काम करेगा जो मेरा नया फंक्शन बना टी में। तो मैं क्या करूंगा, जो नया फंक्शन बना, लेट्स से दिस इज जी ऑफ टी समथिंग, चलो जी ऑफ टी नहीं बोलते इसको, एच ऑफ टी बोल देते हैं, मुझे इसी का फंक्शन, इसी का रेंज निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो टी की रेंज आई ना, एफ एक्स की जो रेंज आई, वो इस फंक्शन एच ऑफ टी के लिए डोमेन का काम करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा लास्ट स्टेप, फाइंड रेंज ऑफ, अब किसका रेंज निकालूंगा, रेंज ऑफ जो जो फंक्शन हमारा ऑब्टेन हुआ टी में, फाइंड रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑब्टेन ऑब्टेन इन वेरिएबल टी फॉर अलाउड वैल्यूज ऑफ टी, फॉर अलाउड वैल्यूज ऑफ टी ऑफ टी, ठीक है, दैट इज रेंज ऑफ एफ एक्स। देखो स्टेप्स तुम्हें लग रहा है कॉम्प्लिकेट होगा, बट बहुत ही आसान है, एक बार और हम डिस्कस करते हैं क्या करा। देखो इस एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सबसे पहली बात कि एक्सप्रेशन है बड़ा सा, उसमें वेरिएबिलिटी पार्ट है ना, हम चाहेंगे कि जो वेरिएबिलिटी पार्ट है वो हो अलग अलग जगह भले ही, बट वो वेरिएबिलिटी पार्ट सेम हो, अगर नहीं है तो बनाया, वो तो मेरा स्टेप वन लिखा था मैंने कि वेरिएबिलिटी पार्ट मुझे चाहिए, वेरिएबिलिटी पार्ट अलग अलग जगह हो बट वो सेम हो। अब वो वेरिएबिलिटी पार्ट बड़ा सा वेरिएबल पार्ट है तो मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे, तो मैंने वो बड़े बड़े से वेरिएबिलिटी पार्ट को क्या बोला, लेट्स सी दैट दैट पार्ट इज टी। फिर मैं क्या करूंगा, वो वेरिएबल पार्ट हो गया एफ एक्स, जिसको मैंने टी मान लिया, फिर मैं एफ एक्स की रेंज निकालूंगा, जो मैंने जैसे इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसकी रेंज निकालूंगा, वो आएगी वन से इन्फिनिटी इस केस में, ठीक है, तो वो हो गई टी की अलाउड वैल्यूज। अब उस टी के लिए, उस सेट ऑफ टी के लिए मैं जो हमारा एक्सप्रेशन बना टी में, नया एक्सप्रेशन जो ऑब्टेंड हुआ आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, मेरा एक टी में एक एक्सप्रेशन मिलेगा, उसकी रेंज निकालूंगा फॉर अलाउड वैल्यूज ऑफ टी, जो मेरी टी आई थी ना एफ एक्स का जो रेंज आया था। क्लियर है बच्चों? अभी और ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना, हम दो तीन एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत जगह काम आएगा, तो ध्यान से सुनना। तो उससे पहले क्या करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब करके फिर इलस्ट्रेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चलो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आसान है, हार्ड नहीं है ये, ठीक है ना, बस याद कर रखना दिमाग में कि ये जो मेथड था बेसिकली यूज क्यों हुआ था, जो बड़े से बल्कि से एक्सप्रेशन है उनमें वेरिएबिलिटी पार्ट सेम है बट अलग अलग जगह दिया है, तो वो उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख पाऊं मैं, तो वो बड़े सा वेरिएबल पार्ट है ना, उसको एक छोटा सा वेरिएबल मान लिया टी, और फिर टी की रेंज निकाल ली, और जो मेरा एक्सप्रेशन बना टी में उसकी रेंज निकाल ली फॉर दोज वैल्यूज ऑफ टी, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, देखना एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, 9 की पावर x माइनस 4 इंटू 3 की पावर x प्लस 7, ठीक है, मेरे को इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो, तो मैं डिस्कस करता हूँ सॉल्यूशन, देखना बच्चों। सबसे पहली बात, क्या क्लिक करना चाहिए, 3 की पावर x, इसको भी मैं 3 की पावर x के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो ये तो हो गया मेरा 3 स्क्वायर का की पावर x, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 4 3 की पावर x प्लस 7। अब सुनना, जो 3 की पावर x है वो देखने में थोड़ा सा मतलब बल्कि टाइप का लगता है, अब अगर 3 की पावर x के लिए t दिया हो तो मेरा बहुत सिंप्लीफाइड चीज लगेगी, ये t में क्वाड्रेटिक लगेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन क्या कर रहे हैं कि 3 की पावर x विच इज अ वेरिएबल पार्ट उसको मान लिया लेट से t, लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू t, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो किस में रिड्यूस हो गया, लेट से f ऑफ t, जो मेरा नया एक्सप्रेशन बना t में वो क्या बना, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7। तो देखो अगर मैंने इसकी पैराबोला की रेंज बोली, लेट्स से मैं एक मिनट के लिए मैं बीच वाला स्टेप भूल गया, टी की अलाउड वैल्यूज छोड़ दिया, और मैं इसकी रेंज निकालूं तो क्या होगी, हमें पता है पैराबोला की रेंज क्या होती है, वर्टेक्स से इंफिनिटी, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, टी स्क्वायर का यार,
तो वर्टेक्स कहाँ आएगा मेरा, माइनस बी बाई टू है, मतलब माइनस फोर बाई टू विच इज टू, तो एक्स इज इक्वल टू टू, वैल्यू कितनी आएगी, टू टू द फोर, फोर और ये हो गया सेवन, माइनस एट, माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, तो वैल्यू इज थ्री, वैल्यू आई मेरी थ्री, और हाँ इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस वैल्यू इज थ्री, क्लियर है, देखना एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फोर बाय टू इज टू, टू पे फोर माइनस एट माइनस फोर, सेवन माइनस फोर इज थ्री, बिल्कुल परफेक्टली। तो अगर मैंने एक मिनट इसके लिए ये छोड़ देता हूँ, मैंने बोला व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, केवल इतना बोला, तो आंसर क्या होगा, थ्री से लेके इन्फिनिटी। बट अभी मेरे को इसका रेंज कब बताना है, फॉर दी फॉर वैल्यूज ऑफ टी, फॉर वैल्यूज ऑफ टी मतलब टी की अलाउड वैल्यूज, और अलाउड वैल्यूज क्या है, पहले उसके लिए मुझे टी की इसकी रेंज निकालना पड़ेगा थ्री की पावर एक्स। अब मुझे पता है थ्री की पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका ग्राफ कैसे होता है थ्री की पावर एक्स का, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो जो थ्री की पावर एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, जीरो ओपन से इन्फिनिटी, जीरो ओपन से इन्फिनिटी, जिसका मतलब टी की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। तो अब मैं क्या देखूंगा इसमें, वैल्यूज कहां से कहां देखूंगा, टी की वैल्यू देखूंगा जीरो से इंफिनिटी तक, फॉर दीज दिस मच वैल्यूज ऑफ टी, ये पैराबोला का आउटपुट क्या आ रहा है, समझ में आया बच्चों। तो अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, क्या होगा मेरा ग्राफ, कहां से कहां आएगा, ये मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला ग्राफ मेरा फेवरेबल ग्राफ है, मतलब देखूंगा इस ग्राफ ने वाई एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन किया, तो दिख रहा है क्या करेगा, इसके कारण माइनस थ्री सॉरी ये थ्री से लेके पूरा ऊपर तक जाएगा इंफिनिटी तक, तो ओवरऑल रेंज कितना हो गया हमारा, थ्री से इंफिनिटी, समझ में आया। देखो इधर तुम्हारा फर्क नहीं पड़ा टी की रेंज के कारण, क्यों नहीं पड़ा, देखो अगर मान लो मैं एक मिनट के लिए, अगर मान लो ये टी की वैल्यूज इंस्टेड ऑफ जीरो मान लो थ्री आती, लेट्स से मैं एक मिनट के लिए टी की अलाउड वैल्यूज थ्री लिखता इधर, तो मेरा टी की अलाउड वैल्यूज थ्री होती तो थ्री इधर आता कहीं, तो मेरा ग्राफ कितना होता, ये वाला पार्ट जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, तब मेरी रेंज चेंज हो जाती, क्लियर है। अभी तो मेरी थ्री टू इंफिनिटी आ गई, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि हम विदाउट सीइंग द रेंज ऑफ टी हम डायरेक्टली आंसर नहीं देंगे थ्री टू इंफिनिटी, ऑल दो इधर मैच कर गया आंसर, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से लेके टी जीरो से इंफिनिटी तक उसने लकीली थ्री से इंफिनिटी सारी वैल्यूज कवर कर ली जो एक्चुअल इसकी रेंज है। बट हो सकता है मेरा टी की वैल्यूज अगर थ्री टू इंफिनिटी होती, लेट्स से चलो फोर से इंफिनिटी होती अलाउड वैल्यूज ऑफ टी, तो मेरा फोर इधर आता फोर, तो मेरा ग्राफ क्या होता, इतना पार्ट होता, देखना मैं इतना पार्ट होता यहां से पूरा जा रहा होता, तो फोर लेट्स से ये फोर है, तो फोर से इंफिनिटी मेरा एक्स होता, तो फोर पे वैल्यू कितनी आती, जैसे 16 माइनस 16 प्लस 7, तो ये 7 आता, तो मेरी रेंज क्या हो जाती, 7 से इंफिनिटी। बट अभी एट प्रेजेंट जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से माई आंसर इज 3 क्लोज से इंफिनिटी, क्लियर है बच्चों। क्या किया एक बार और बताता हूँ, वेरिएबिलिटी पार्ट था क्या, थ्री की पावर एक्स, तो हर एक जगह है मतलब सेम चीज है, तो उस थ्री की पावर एक्स को मैंने टी मान लिया। अच्छा फिर जो मेरा थ्री की पावर एक्स को टी माना, तो जो जिस एक्सप्रेशन की मुझे रेंज निकालनी थी वो किस में कन्वर्ट हो गया, टी का फंक्शन आ गया। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, बट रिस्ट्रिक्शन है, मतलब मेरे पास ऐसे बोल सकता हूँ ये किस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट है, वो डोमेन क्या होगा हमारा, इधर जो टी की वैल्यूज है, और टी की वैल्यूज कैसे आएंगी, जो थ्री की पावर एक्स की रेंज होती है, क्योंकि टी इज व्हाट, थ्री की पावर एक्स, क्लियर है बच्चों। आई होप समझ में आया होगा, बहुत स्ट्रेस दिया मैंने इस क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन और लिखता हूँ इसके बेसिस पे, उसको पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं रब कर देता हूं इसको, देखना ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आसान बट थोड़ा लॉजिकल है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, चलो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो। चलो अब मैं एक बार बताता हूँ, अब देखना क्या है कि ये मेरा एफ एक्स दिया है, मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो मैंने क्या बोला कि आई वॉन्ट वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए, अलग अलग है, इधर क्या एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक काम ऐसे भी कर सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर को टी माने, ठीक है ना। तुम लोगों से बहुत से लोगों ने अगर ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके, तो शायद एक्स स्क्वायर को टी माना होगा, और फिर तुम लिखोगे ये जो एक्सप्रेशन हो गया वो हो गया टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू। फिर इसकी रेंज निकालना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, तो इसलिए मैंने ये इसको अवॉइड किया। अब मैं क्या थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट क्या होगा देखना ध्यान से। अब क्या किया कि देखो मेरे को क्या है ना कि न्यूमरेटर में अगर कुछ प्लस दिया है
तो दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर पे प्लस नहीं होना चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, अगर तुमने एक्स स्क्वायर को टी माना तो ये हो गया टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये टू न्यूमरेटर में होता तो आसान होता। आसान क्यों होता? बिकॉज अगर मैं इधर टू प्लस टी लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो मेरा बहुत दिखा दिखाया है, बहुत जगह हमने इसका ग्राफ भी बनाया x प्लस वन बाई एक्स, और ये तो टू एक कॉन्स्टेंट है तो हम तो ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब डिनोमिनेटर में जो टू है वो हट जाए। तो क्या किया हम, टू बाहर जनरेट करने की कोशिश किया। क्या किया हमने, देखो ध्यान से, मैंने लिखा इसको एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू, ऊपर वाला ही लिखा है अभी, प्लस टू माइनस टू किया मैंने। अब सुनो, ये भी वेरिएबल पार्ट है और ये भी दोनों पार्ट सेम है, इसको मैंने टी मान लिया। समझ में आया क्या हुआ? अब मैंने इसको टी मान लिया, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो मेरा कन्वर्ट किसमें हो गया, टी प्लस वन बाई टी माइनस टू। अच्छा, अब ये हो गया मेरा लेट से जी ऑफ टी, जिसकी मुझे रेंज निकालनी है। बट अब सुनना, अब मुझे टी प्लस वन बाई टी माइनस टू की रेंज निकालनी है, बट मुझे मेरा अभी क्वेश्चन किसमें है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, क्योंकि टी ही कुछ वैल्यू लिमिटेशन है टी की, टी पे टी कैन नॉट टेक ऑल द रियल वैल्यूज। अब मैं टी की पहले रेंज निकालूंगा, उस रेंज ऑफ टी के लिए वो मेरा डोमेन का काम करेगा इधर। तो पहले मैंने टी की रेंज निकाली, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ आती है, जीरो से इन्फिनिटी। ये तो रटा रटा है ग्राफ, पैराबोला है, इसमें टू ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू इन्फिनिटी प्लस टू इज इन्फिनिटी। तो मेरी टी की जो वैल्यूज है वो टू से इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, इस फंक्शन की रेंज निकाल लेता हूँ फॉर टू टू इन्फिनिटी, इस पूरे फंक्शन की, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं टी प्लस वन बाई टी का ग्राफ बना लेता हूँ पहले। तो इसमें एस एम टोट होता है वाई इजिकल टू एक्स, ये बताया गया पहले, ठीक है ना, ये ग्राफ होता है इसका ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, टी इज इक्वल टू वन पे वैल्यू कितना होता है, टू, और टी इज इक्वल टू माइनस वन पे वैल्यू होता है माइनस टू। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है टी इज इक्वल टू टू से इन्फिनिटी, तो टू कहाँ आएगा मेरा, वन के राइट में, तो मतलब इधर आएगा टू, तो टू पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाली वैल्यू, और ये होगी कितनी, इसमें रख के देखो, टू प्लस वन बाई टू फाइव बाई टू। तो मेरा टू से इन्फिनिटी मतलब ग्राफ का ये वाला पार्ट है जो मैं शेड कर रहा हूँ अभी, दिस इज माई फेवरेबल पार्ट। तो इसका प्रोजेक्शन क्या है वाई एक्सिस पे, फाइव बाई टू से इन्फिनिटी, वो तो मेरा इसका है। तो पहले मैं इसकी रेंज डिस्कस कर लेता हूँ, माइनस टू से तो क्या करूंगा मैं, शिफ्ट कर दूंगा ग्राफ को नीचे की तरफ। तो मैंने बोला पहले टी प्लस वन बाई टी का जो रेंज है वो कितना आ रहा है, फॉर गिवन डोमेन, गिवन डोमेन मतलब टू से इन्फिनिटी के लिए मेरा आ रहा है फाइव बाई टू से इन्फिनिटी, फाइव बाई टू क्लोज से इन्फिनिटी। अब मेरे को क्या माइनस टू करना है, तो अगेन बेसिक मैनिपुलेशन में बताया था, माइनस टू किया तो हमारा माइनस टू इधर भी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फाइव बाई टू माइनस टू विच इज हाफ कॉमा इन्फिनिटी। सो दिस इज माई आंसर, रेंज इज हाफ टू इन्फिनिटी, क्लियर हुआ। ये थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन था, देखो जैसे मैंने बताया था t प्लस वन अपॉन टी प्लस टू भी लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा एनालिसिस में दिक्कत होती है हमें, ठीक है। बट हमें देखना है कि अब हम वेरिएबिलिटी भी लेके आए, बट मतलब हमें हमें जो वेरिएबल एज्यूम करना है t को, जो एफ एक्स इजिकल टू टी सब्सटीट्यूट करना है, वो फंक्शन ऐसा एज्यूम करना है कि कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे इधर हो गया, किस्मत से ये क्या कन्वर्ट हो गया, टी प्लस वन बाई टी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नहीं ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस सेवन। वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो तो ज्यादा सीखने मिलेगा। मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो अगेन, अब जैसे कि मेरा डिस्कशन, मैंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए कि वेरिएबिलिटी पार्ट सेम हो पूरे एक्सप्रेशन में, अगर वेरिएबिलिटी आ रही है तो वो हर एक जगह सेम टाइप की हो। वो चीज दिमाग में रखते हुए पहले खुद सोचो, मैं कौन से दो ब्रैकेट्स को, आई वॉन्ट टू क्लब टू टू ब्रैकेट्स, तो कौन से दो ब्रैकेट्स को क्लब करूं, सो दैट जो इन चार ब्रैकेट्स में से क्या करूंगा, दो ब्रैकेट्स को क्लब करूंगा और दो को क्लब करूंगा, तो जो दो नए ब्रैकेट बनेंगे उनमें वेरिएबिलिटी पार्ट सेम आना चाहिए, ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग है। तो अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुमने इन दोनों को क्लब किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और इन दोनों को क्लब किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स, तो अलग अलग आ रहा है वेरिएबल पार्ट, इधर तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इधर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स,
तो नहीं चलेगा फंडा। अब सुनो, अगर मैंने इन दोनों को क्लब किया और इन दोनों को क्लब किया, जस्ट थिंक इट क्या आ रहा है, करके देखो मन में, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स। तो देख रहे हो किस्मत से, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, वेरिएबल पार्ट सेम आ गया, तो बस वही हमें करना है। क्या करेंगे हम, इन दोनों पहले ब्रैकेट्स को क्लब किया, तो वाई को हम लिख सकते हैं, पहले ई वाले दोनों ब्रैकेट्स को क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, और दूसरा वाला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15। बस अब मैं क्या करूं, अब देखो, अब इधर भी हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है कि एक काम तो ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स को टी मान लेते हैं, या फिर तुम इस पूरे को टी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन को, क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन तो लिख ही सकते हैं हम, इस 15 को आई कैन ब्रेक इन टू टू पार्ट, सेवन प्लस एट। तो देखो एक तरीका तो क्या है, मेथड वन, आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन को मैंने टी बोला, तो मेरा जो एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, किसमें हो गया, टी इंटू टी प्लस एट, तो मुझे इसकी रेंज निकालनी है जी ऑफ टी की, फॉर अलाउड वैल्यूज ऑफ टी। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, केवल एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स को टी बोला, तो मेरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस सेवन इंटू टी प्लस 15। तो अगेन मैं जी ऑफ टी की रेंज निकालूंगा फॉर अलाउड वैल्यूज ऑफ टी। यू शुड वेरीफाई, मैं एक, चलो एक कर लेता हूँ, मैं लेट से ये वाला कर लेता हूँ, तुम लोग इससे भी ट्राई करोगे, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, बल्कि ऊपर वाला मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलो तो तुम लोग इसको भी कॉपी कर, इसको भी इससे भी ट्राई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, कोई अलग नहीं होगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, स्टेप्स अलग हो जाएंगे थोड़े, मतलब डाटा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसका रेंज, तो पहले तो मैंने जी ऑफ टी का पहले कर्व बना लिया, तो दिख रहा है जी ऑफ टी क्या होगा, पैराबोला होगा जिसके रूट्स आर माइनस 15 एंड माइनस 7। तो एक बार हम बना लेते हैं पूरा कर्व, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, जिसके रूट्स आर माइनस 7 एंड यार इट इज माइनस 15। ये तो हो गया मेरा, अगर मान लो मुझे ये बोला जाए जी ऑफ टी की रेंज क्या है, तो जी ऑफ टी की रेंज तो मैं क्या निकालूंगा, वर्टेक्स पे निकालूंगा, वर्टेक्स पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, और वर्टेक्स क्या होगा, रूट का मिड पॉइंट, तो माइनस 15 और माइनस 7 का टोटल कितना होगा, माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 11। अब इसमें माइनस 11 रख दूंगा मैं, तो लेट से चलो रख ही देते हैं, तो 7 माइनस 11 कितना हुआ, माइनस 4, और 15 माइनस 11 4, तो माइनस 16 आ रहा है। देखो आप सुनना ध्यान से, अगर मान लो मेरे को केवल बोला जाता जी ऑफ टी की रेंज क्या होगी, देन माय आंसर वुड बी माइनस 16 से इन्फिनिटी, बट अभी मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है सेम आ जाए ऐसी, बट एट प्रेजेंट आई विल नॉट टेल माइनस 16 टू इन्फिनिटी, बिकॉज मेरे को इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए देखना है। डोमेन रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है, इधर से चेक करना है मुझे अलाउड वैल्यूज ऑफ टी क्या है। अगर मान लो टी ऑल रियल नंबर आ जाए, वो ऑफकोर्स नहीं आएगा बिकॉज पैराबोला है, बट एक मिनट के लिए मान लिया टी की वैल्यूज सारी रियल वैल्यूज आ जाए, तो मेरा इधर मैं डायरेक्टली लिखूंगा आंसर इज माइनस 16 टू इन्फिनिटी। बट मुझे अभी क्या करना है, इसका रेंज निकालना है फॉर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, टी की वैल्यूज पूरी नहीं है, इस तरह से देखना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए पहले क्या करूं, मैं टी का ग्राफ बनाता हूं, तो टी इटसेल्फ इज अ पैराबोला, और दिख रहा है इसके रूट्स क्या है, 0 एंड 8। तो मैंने टी की, मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो हमारा स्टेप्स लिखाए थे मैंने, उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू टी लिखाया था, उधर मैंने बोला था फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, दैट इज अलाउड वैल्यूज ऑफ टी, तो एफ एक्स की रेंज निकाल रहा हूँ मैं, दिस इज माई एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, तो रूट आर 0 एंड 8, तो 0 एंड 8, तो कर्व हमारा ऐसा होगा, और मिड पॉइंट पे 4 पे वैल्यू देख लेते हैं, 16 माइनस 32 माइनस 16, तो इधर भी माइनस 16 आ रहा है वर्टेक्स लकी, ठीक है। अब सुन रहा, अब मैंने बोला व्हाट इज द रेंज ऑफ टी, तो दिख रहा है रेंज ऑफ टी, टी क्या होगा, टी बिलोंग्स टू माइनस 16 से इन्फिनिटी, ये टी की वैल्यूज है। इन टी की वैल्यूज के लिए मैं ये देखूंगा ये वाला ग्राफ का कौन सा पार्ट आ रहा है। अब देखना माइनस 16 मतलब क्या होगा मेरा, माइनस 16 मतलब इधर आएगा माइनस 16, और इन्फिनिटी उधर जाएगा, तो मेरा ग्राफ क्या क्या बना देखते हैं हम। माइनस 16 से इन्फिनिटी, तो माइनस 16 यहाँ पे होगा इसकी वैल्यू, तो ये पूरा ग्राफ आ रहा है, ये पूरा ग्राफ मेरा आ रहा है उस टी की रेंज के लिए। तो इस पूरे ग्राफ ने, जो रेड वाला मैं मार्क कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, उसने क्या कवर किया, वाई एक्सिस पे माइनस 16 से इन्फिनिटी कवर कर लिया, हैंस द आंसर, फाइनल आंसर इज माइनस 16 से इन्फिनिटी। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से, और हाँ जैसे मैंने बोला ऐसे किया मैंने, तुम लोग अब इससे भी करो, वेरीफाई करो तुम्हारा आंसर ये आ रहा है या नहीं। क्या बोला मैं, इधर इस पूरे को टी मान लो,
फिर ये हो गया टी प्लस एट, तो टी इंटू टी प्लस एट इसकी रेंज निकालो। देखो इसमें क्या होगा, जैसे इसका पैराबोला का बनाऊंगा मैं, तो एक मिनट के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ इधर, ठीक ना। टी इसका रूट दिख रहा है क्लियरली क्या है, जीरो एंड माइनस एट, तो दिस इज माइनस एट, दिस इज जीरो, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो इसकी इसकी वैल्यू किधर आएगी, ये होगी माइनस फोर पे, और माइनस फोर पे वैल्यू कितनी होगी, एट माइनस फोर, फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन होगी किस्मत से। अच्छा अब लेकिन मैं अभी जितना मैंने अभी टार्क अभी किया उसके हिसाब से माइनस सिक्सटीन टू इन्फिनिटी नहीं बोलूंगा, पहले मैं देखूंगा टी की अलाउड वैल्यूज क्या है। तो उसके लिए पहले तुम्हें इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी, तो टी की अलाउड वैल्यूज आ जाएंगी, उन अलाउड वैल्यूज के लिए देखूंगा ये वाला जो ग्राफ है कितना कवर आ रहा, कितना ग्राफ आ रहा है, और उस ग्राफ ने, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ग्राफ ने वाई एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन दिया, दैट इज नथिंग बट रेंज, देखना तुम यही आएगी, ठीक है। चलो अब वीडियो पॉज करके तुम लोग कॉपी करो इसको, ठीक है, और अभी की अभी कंप्लीट करो, आगे बढ़ने के पहले पहले इस मेथड से पूरा कंप्लीट करो, और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब मेंस में पहले आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, और तुम्हारे शीट में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, और मैं शीट एक या दो दिन में तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है। पहले जो आज शीट दी मैंने, कल जो दी थी मैट्राइसिस की शीट और डिटर्मिनेंट की, आई थिंक मोशन की, उसको कंप्लीट कर लो, मैंने टारगेट दिया था दो दिन के अंदर करना है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें फंक्शन की शीट देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो वेरिएबिलिटी पार्ट दो है, दोनों डिफरेंट टाइप की दिख रही है। चलो पहली बात तो क्या किया हमने, पहले तो इसको उस फॉर्म में लिख लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री टू ए बी इंटू ए प्लस बी, एक मिनट रुको, और नहीं तो हम इसको और कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, चलो वही लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो फॉर्मूले होते हैं इसके हमें, एक तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, या फिर ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, देख लेना दोनों से सेम आता है रिजल्ट, बोथ आर आइडेंटिटीज एंड बोथ आर करेक्ट। तो हम नीचे वाला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, उसका भी रीजन तो मैं बोल सकता हूँ कि एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था मैंने इनवर्स पढ़ते वक्त, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट होता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, पाई बाय टू, तो वो फैक्ट मैं यूज करूंगा, तो आई वांट कि ए प्लस बी मैक्सिमम जगह आए, तो देखो अगेन फिर मुझे इसको इसको दोबारा ए प्लस बी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, मतलब इसको मैं लिखूंगा अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, एक माइनस ए बी ये पूरे को, तो फिर ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, क्लियर है, तो बेटर मैं नीचे वाला लिख लेता हूँ, उधर ऑलरेडी ए प्लस बी में है मैक्सिमम पार्ट। तो अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो ये हो गया मेरा पाई बाई टू का क्यूब, मतलब पाई क्यूब बाई एट माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, वेरिएबिलिटी पार्ट सेम हो, वेरिएबिलिटी बट इधर साइन और कॉस इनवर्स दो अलग अलग दे रखा है, तो बट हमें इसमें रिलेशन तो पता ही है, अभी देखा हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू, तो मैं इस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्लियर हुआ, और ये मेरा क्या है अगेन पाई बाय टू। तो अब देखो पूरा एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबिलिटी पार्ट है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, दो जगह है बात अलग है, दो जगह बट है तो सेम, तो मैं क्या करूँ जो वेरिएबिलिटी पार्ट है उसको एफ एक्स मानते हुए टी पुट कर देता हूँ। तो मैंने बोला पहले चलो मैं इसको पूरा ओपन कर लेता हूँ पूरा, उसके बाद करता हूँ, तो एक्स पाई क्यूब बाई एट प्लस थ्री साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस थ्री पाई बाय टू, अच्छा ये पाई बाय टू भी है ना, एक मिनट, तो ये हो गया थ्री, एक मिनट, थ्री पाई बाय टू माइनस थ्री
थ्री पाई बाय टू साइन हो गया करेक्ट है, और पाई स्क्वायर बाय फोर और थ्री साइन इनवर्स एक्स करेक्ट है, ठीक है, और प्लस ये हो गया। अब क्या करूं, ये तो साइन इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो अगेन जैसे मैंने पहले किया था यार, पहला क्वेश्चन जो था थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, वही चीज बन गई, इधर मेरा थ्री की पावर एक्स की क्या है साइन इनवर्स एक्स, और कोई चेंज नहीं है। तो क्या करूं मैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो अब टी की मेरी अलाउड वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस वन टू वन, तो टी की अलाउड वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस वन टू वन। तो इस इंटरवल के लिए मैं इस पैराबोला का रेंज देख लूंगा मैं, तो ये पैराबोला क्या है देखो एक बार, थ्री पाई बाय टू टी स्क्वायर माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाय फोर टी प्लस पाई क्यूब बाय एट, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा टास्क है इसको कंप्लीट करना, ठीक है। मैं आंसर, मैं अभी आंसर बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। क्या करोगे तुम, इस ये क्वाड्रेटिक है जिस टाइप का हम क्या कर चुके, अभी मैं इसका रेंज वर्टेक्स इन्फिनिटी नहीं बोलूंगा, मैं क्या करूंगा पहले इसका पैराबोला बनाऊंगा, फिर इस इंटरवल ऑफ टी के लिए इसकी रेंज देखूंगा। मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइंडिंग रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्लियर है। अच्छा देखो, एक तो मेथड ये हो गया, अभी जैसे अभी क्लिक किया, एक और चीज हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हमने बेसिक मैनिपुलेशन में किया था, देखना इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं तुम, देखो ये तो हो गया मेथड वन, इसके बाद ये वाला हो गया मेथड वन, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब मैं देखना इधर इससे बता रहा हूं, इस स्टेप से एक और देखना मेथड टू, तो मैं दोनों दोनों से वेरीफाई करना है, मेथड टू क्या बोल रहा हूं मैं, हम क्या करें साइन इनवर्स एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पहला जो हमने बेसिक मैनिपुलेशन जो पहला टॉप पहला मेथड देखा था रेंज का, उसमें हमने देखा था क्या करें हम, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, चलो इसको मैं इधर से ले लेता हूँ, थ्री पाई बाय टू कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो गया साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री पाई कॉमन ले लिया, तो इधर हो गया थ्री बाय टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस पाई क्यूब बाय एट, ठीक है। अब बस इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, फिर वो बेसिक मैनिपुलेशन से स्टार्ट कैसे करोगे, साइन इनवर्स एक्स का रेंज माइनस वन टू वन होता है, फिर उसमें क्या ऐड है सब्ट्रैक्ट है, वही जो पांच मैंने टाइप बताए थे बेसिक मैनिपुलेशन में, जो हमने देखा था के से मल्टीप्लाई किया तो के अल्फा से के बीटा हो जाता है, फिर स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, या फिर जीरो से अल्फा स्क्वायर वगैरह, वो सब चीज बताई थी, वो वाला मेथड में बोल रहा हूँ तुम्हें, उससे निकालना है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन हमने उधर किया है, बट इधर हमारा साइन इनवर्स है, उधर हमारा क्या था साइन एक्स था, क्लियर है बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हाँ तो हमारा नेक्स्ट मेथड क्या होगा, मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ अ फंक्शन ऑफ द टाइप q1 अपॉन q2 l अपॉन q एंड q अपॉन l, वेयर q स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक और l स्टैंड्स फॉर लीनियर। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ये हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और ये हो गया क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी लिया था ड्यूरिंग द शीट डिस्कशन, अरियंत की डीपीपी में एक डीपीपी 4 या 5 थी, उसमें इस टाइप के एक्सप्रेशन थे, किस टाइप के थे कि जैसे जो लिखा है बोर्ड पे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर मैंने बोला था कि वाई की रेंज निकालो, वाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है ऑब्टेन। अगर मुझे कोई बोले रेंज क्या होगी, रेंज निकाल सॉरी डोमेन क्या होगा, वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डोमेन तो हम क्या करेंगे, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, तो डोमेन निकालना तो बहुत आसान है। बट रेंज के लिए मैंने क्या बताया था उधर मेथड, वही हम मेथड करेंगे, बस इधर में थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे। डीप में कैसे जाएंगे, उस इस मेथड को समझने के लिए हम इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप वन, कि जिस फंक्शन की रेंज निकालनी है उसको मैंने वाई के इक्वेट किया, तो इक्वेट इक्वेट एक्सप्रेशन इक्वेट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वेट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वेट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वाई, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू दिस। फिर क्या करूंगा मैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी टर्म्स आए, दो टर्म आएंगे एल एच एस में और आर एच एस में, सारे आर एच एस के टर्म्स को हम एल एच एस में लेके आएंगे और क्वाड्रेटिक बनाएंगे एक्स में। क्या लिख रहे हैं, हम लिख लेते हैं इसको स्टेप टू, क्या बोला मैंने स्टेप टू में कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या करें, जो भी टर्म्स हैं आर एच एस में सभी टर्म्स को हम एल एच एस में लेके आएंगे, फिर लिखेंगे ब्रिंग ब्रिंग ऑल द टर्म्स, ऑल द टर्म्स प्रेजेंट
प्रेजेंट इन आर एच एस, ब्रिंग ऑल द टर्म्स प्रेजेंट इन एल एच एस आर एच एस टू द एल एच एस एंड मेक क्वाड्रेटिक एन एक्स, इसी में लिख लेता हूं, एंड मेक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो हम इस स्टेप को कर लेते हैं, फिर आगे स्टेप में बढ़ते हैं। तो पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 y x square plus 12 y x plus 20 y is equal to x square plus 4 x minus 1। फिर मैं सारे टर्म्स को एल एच एस में लेके आता हूँ, तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3 y minus 1 प्लस एक्स इंटू 12 y minus 4 और प्लस 20 y plus 1 equals to 0। तो ये मेरा स्टेप टू हो गया कि सारे टर्म्स को हम एल एच एस में लेके आए। अब देख रहे हैं ये मैंने क्वाड्रेटिक बना दी एक्स में। अब तीसरा स्टेप क्या होगा उसको लिखने के लिए मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर देता हूँ, ये पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। और चलो ठीक है, ठीक है, चलो इसको इतना लिखे रहने देते। अब देखना, अब मेरे को क्या पता है कि जो मेरा, जब भी हम रेंज निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रेंज को डिफाइन कैसे करते हैं, कि जो अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स की, एक्स की जो अलाउड वैल्यूज है ना, उन सभी वैल्यूज को मैंने एक्सप्रेशन में रखा, उनसे मुझे वाई मिला, उन वाई का कंप्लीट सेट को मैं बोलता हूँ रेंज। तो मुझे पता है जो मैं एक्स की जो वैल्यूज रखता हूँ वो मैं रियल रखता हूँ, तो इसमें भी एक्स क्या है, एक रियल है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस सिंस x इज रियल। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका x रियल है, और x अगर किसी क्वाड्रेटिक में अगर, और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या बोलूंगा मैं, इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या लिखूंगा मैं, d इधर ही लिख लेते, चलो सिंस x इज रियल देयरफॉर मेक कैपिटल d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा करने पे होगा क्या मेरा, ऐसा करने पे मेरा एक y में इनइक्वालिटी बनेगा, y का इनइक्वालिटी बनेगा, तो उससे y की रेंज आ जाएगी मुझे, और y की रेंज आ गई मतलब y की वैल्यूज आ गई, और y की वैल्यूज के कंप्लीट सेट को ही तो हम क्या बोलते हैं, रेंज। हेंस क्या आ जाएगा, इससे क्या मिलेगा मुझे, y में एक इनइक्वालिटी मिलेगा, उससे जो x y की वैल्यूज आई दैट इज नथिंग बट अ रेंज। तो इसको लिख लेते हैं हम, तो ये हमारा हो गया d, सिंस x इज रियल देयरफॉर मेक d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये स्टेप 3 हो गया, ये क्वाड्रेटिक बना, उसके बाद डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। अब क्या होगा हमारा, वाई में इनइक्वालिटी मिलेगा, उससे जो वाई की वैल्यूज आई दैट इज माय आंसर, दैट इज माय आंसर, क्लियर है। तो सुनना, मैं इसको लिख लेता हूं बी स्क्वायर 12 y minus 4, बी स्क्वायर माइनस 4 ए 3 y minus 1 इंटू सी विच इज 20 y plus 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं साइड में लिख लेता हूँ अगर जरूरत पड़ेगी तो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 x minus 1 अपॉन 3 x square प्लस 12 x plus 20। चलो बाकी पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, अब सुनना, अब क्या बोला मैंने, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया, तो अब देखो इसको मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं, तो देखो इधर से 4 कॉमन ले रहा हूं, तो 4 कॉमन लूंगा, हाँ ठीक है, तो ये 16 बन के बाहर आएगा, तो 16 इंटू ये हो गया 3 y minus 1 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 y minus 1 इंटू 20 y plus 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर मैं ये 4 हटा देता हूँ एक फैक्टर, तो इधर बचा 4, तो मेरा 3 y minus 1 कॉमन आ गया, तो ये हो गया मेरा 4 इंटू 3 y minus 1 माइनस 20 y plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया 3 y minus 1। अब ध्यान से देखना दूसरा फैक्टर 12 y minus 4 minus 1 is -5, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस हटाने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो जाएगा 3 y minus 1 इंटू 5 plus 8 y लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी ऑफ साइन विल चेंज। अब इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ, तो ये हो गया 1 - 5/8 और ये हो गया 1/3, और मेरा आंसर हो गया ये। सुनना,
अब एक मिनट सुनना बात को ध्यान से, इतना पार्ट तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में बताया था, इसके बाद ही एक क्रिटिकल स्टेप है, ठीक है? ठीक है, ऑलमोस्ट आंसर आ गया हमारा, यही होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत माइन्यूट सी चीज एक वेरीफाई करनी पड़ेगी, वो क्या है उसका आप डिस्कशन लेता हूँ। सुनना क्या है कि जैसे मैंने अभी जो हमने क्वाड्रेटिक बनाया एक्स में, तो मैंने क्या बोला, सिंस एक्स इज रियल देयरफॉर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उससे मेरी वाई की वैल्यूज आई। बट मान लो हमने वो एनालिसिस जो किया अभी वो क्वाड्रेटिक मान के किया ना, बट एक ऐसा भी हो सकता है ना कि एक मिनट के लिए वो क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं हम पूरा, तो चलो इधर ऐसे ऐसे था, एक्स स्क्वायर इंटू 3y-1 प्लस एक्स इंटू समथिंग प्लस समथिंग ऐसा दिया था, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक दे रखा था हमने जो इसका एनालिसिस किया, दैट इज डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वो ये मान के किया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, मतलब सॉरी, ये क्वाड्रेटिक है। अब ये भी तो हो सकता है वो क्वाड्रेटिक हो ही ना, वो कब होगा, जब हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 हो जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो हम क्या करेंगे कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो दिया है ना उसको 0 इक्वेट करके देखेंगे कि वो जो वाई है क्या वो वाई ऑब्टेनेबल है या नहीं। सुनना एक बार के लिए, एक बार ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग वाला पार्ट है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है इसमें बच्चे हमको। मैंने क्या बोला कि जब मैंने एक्स स्क्वायर में एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया तो उसका मैंने क्या किया, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 किया, इसका मतलब मैंने जो एनालिसिस किया वो क्वाड्रेटिक मान के किया इसको। अब ये भी हो सकता है ना ये क्वाड्रेटिक हो ना, तो ये देख लेता हूँ मैं ये क्वाड्रेटिक कब नहीं है, कब नहीं होगा ये क्वाड्रेटिक, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 होगा। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 किया तो मुझे वाई का वैल्यू कितना मिला, 1/3। तो मैं इसको सेपरेटली चेक कर लूंगा कि क्या ये y इज इक्वल टू 1/3 ऑब्टेनेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं इधर से हटा दूंगा, 1/3 पे क्लोज है, इधर अभी ओपन लगा दूंगा। तो मैं कैसे चेक करूंगा, क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है उसको 0 क्रिएट किया, उधर से जो y मिला उसको मैं वेरीफाई करूंगा कि वो ऑब्टेनेबल है या नहीं। तो क्या करूं, जो मेरा एक्सप्रेशन था इसको इक्वेट कर देता हूं 1/3 को, इधर से देख लेता हूं क्या x कौन सा ऐसा आ रहा है जिसके लिए ये ऑब्टेनेबल है। अगर है तो मैं जो आंसर लिखा था मैंने, लेट से ये लिखा -5/8 से 1/3, वो हमारा करेक्ट रहेगा। अगर मान लो इधर से मुझे कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट मिल जाए, मतलब जैसे 2 = 5 काइंड ऑफ, तो मैं बोलूंगा कि y = 1/3 इज नॉट ऑब्टेनेबल, तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -5/8 से 1/3, ओपन। तो क्या करें, हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3x² प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 3x² प्लस 12x माइनस 3। तो 12x से 12x, 3x² से 3x², इधर से क्या आया, 20 इज इक्वल टू -3, विच इज रॉन्ग। इसका कंक्लूजन क्या होगा मैथमेटिकली, कि मैंने इक्वेट किया 1/3 को इसके बराबर, तो मुझे कोई x ऐसा मिला ही नहीं। अगर मान लो इधर से ऐसा आ जाता है x इज इक्वल टू 4, तो मैं क्या बोलता, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 1/3 ऑब्टेनेबल है। तो अगर मेरा इधर 1/3 आ रहा है तो इंक्लूड ही आता, बट सिंस इधर से अपसेट रिजल्ट आ गया तो मेरा क्या होगा, 1/3 ऑब्टेनेबल नहीं है। इधर क्यों गलती से आ गया, इधर इसलिए आ गया क्योंकि हमने उसका एनालिसिस क्वाड्रेटिक मानते हुए किया था, बट वो हमें ये भी तो चेक करना, वो हो सकता है क्वाड्रेटिक ना हो, वो क्वाड्रेटिक नहीं हो, वो कब नहीं होगी, व्हेन y इज 1/3। तो y इज इक्वल टू 1/3 को अलग से चेक कर लिया कि y इज इक्वल टू 1/3 ऑब्टेनेबल है या नहीं, तो इधर से अपसेट रिजल्ट मिला, देयरफॉर 1/3 ऑब्टेनेबल नहीं होगा, हेंस दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, फाइनल आंसर इज दिस। तो क्या लिखो तुम लोग, स्टेप 4 लिख लो कि मेक ऑफ नहीं वैल्यू ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 शुड बी वेरीफाइड। ऐसे लिख लो, वैल्यू ऑफ वाई, इधर लिख रहा हूं मैं वैल्यू, स्टेप 4, वैल्यू ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बींग 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 शुड बी वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अभी मैंने जैसे बोला दो स्टेप्स हैं, एक तो ये, अब एक और स्टेप है वो बहुत क्रिटिकल है, वो उसका भी वो इधर यूज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, वो जिस क्वेश्चन में यूज होगा वो इलस्ट्रेशन में अब लेता हूँ उसके बाद। तो बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी इट, ठीक है, और मैं इसको रब कर देता हूँ। ये स्टेप याद रखना, ठीक है ना, क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना, अगर जेई मेंस के लिए इतना डिटेल में नहीं जाएगा, जेई मेंस के लिए यहीं तक आएगा, अगर एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है ना तब जरूर ये क्रिटिकल हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक अमाउंट तो पक्का वो इस टाइप की चीज देगा कि क्या होगा, इधर तो इंक्लूड हो जाएगा तो
तुम जल्दी जल्दी में क्लोज आंसर लगा दोगे, बट एक्चुअल आंसर ओपन होगा 1/3 पे, तो वो चीज इधर से देखना पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसको जीरो करेंगे, उससे जो वाई आएगा वो देखेंगे क्या ऑप्टेनेबल है या नहीं। तो हमने ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन था उसको इक्वेट किया, उससे देखा कोई एक्स ऐसा मिला इधर, तो इधर तो एक्स का फैक्टर ही कैंसिल हो गया, हमें एब्सर्ड सा रिजल्ट मिल गया एक, हेंस दिस वाई इज नॉट ऑप्टेनेबल। क्लियर है? चलो अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और उसमें मैं वो पॉइंट लिखवाऊंगा जो मैंने बोला था अभी क्रिटिकल है एक और। तो पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं इसका, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x-11 अपॉन, और इसको समझना जो मैं बताऊंगा, रटना नहीं है, मतलब याद रखना है बट समझ के याद रखना है, ठीक है ना। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x-11 अपॉन x² प्लस 5x-6। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला बात थिंकिंग क्या आएगी, कोई बोलेगा कि सर अभी तो आपने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा था या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और ये तो क्यूबिक दिया है, तो ध्यान से देखो फैक्टर एक आध कॉमन होगा, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले का एक रूट निकाल के देखते हैं। तो एक मैंने बताया था हम जब भी क्यूबिक दिया होता था एक रूट ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, तो एक रूट क्या आ रहा है देखो 1 रखने पे, और मैंने ये भी बोला था कि जब भी क्यूबिक दिया होगा और अगर ऑब्जर्वेशन से रूट आ रहा होगा तो मोस्टली क्या होगा -2, -1, 0, 1, 2, इन चार इन पांचों में से कोई ना कोई एक रूट होगा ज्यादातर, ठीक है ना। तो अब ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है 1 + 3 = 4 + 7 = -11 - 0, तो x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है प्लस नीचे वाले का भी रूट है। तो अब हम ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो पहले मैं इसका फैक्टराइज पूरा प्रॉपर कर लेता हूँ। तो x-1 एक बार रिवाइज हो जाएगा, हम कैसे करते थे, एक बार अगर एक रूट पता चल गया तो हम उसको 3 बार लिखते हैं ऐसे, फिर एक्स क्यूब चाहिए तो मैंने क्या किया x² से मल्टीप्लाई किया, इधर से -x² आ गया बट मुझे 3x² चाहिए तो +4x से मल्टीप्लाई करना, 4x² आ गया -x² 3x², इधर से -4x आया मुझे क्या चाहिए 11x, तो +7x - 7, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट एक बार देखते हैं, x³ - x² तो +4x² ये हो गया -4x, अच्छा -4x +11x होगा, +11 होगा तब मेरा 7x बनेगा और -11 तो करेक्ट है हमारा। और चलो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, तो x-1 × क्या आया x² + 4x + 11, ठीक है। और डिनोमिनेटर मेरा क्या दे रखा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है 2 और 3 आर द रूट, सॉरी 1 x-1 × x + 6, देखो वेरीफाई करो x² + 5x - 6 करेक्ट है। तो मैं इसको अब कर देता हूँ इस पार्ट को, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा है वो मेरा ये लिखा है। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना, आई विल गिव यू द फ्लो, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं। देखो हम जल्दी जल्दी में ऐसे नहीं लिखेंगे, x-1 से x-1 को कैंसिल किया, ये एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा था इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू x² + 4x + 11 / x + 6, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू दिस, फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा कॉमा x ≠ 1, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में तो मैं x = 1 नहीं रख सकता, बट इस वाले में तो रख सकता था, इसलिए मुझे अलग से लिखना पड़ेगा x ≠ 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हो गया मेरा, अब देखो अब ये वाला जो पार्ट हो गया ये तो मेरा पहले तरीके से कन्वर्ट हो गया, पहले वाले में क्या करेंगे हम इस टर्म्स को इधर लेके जाएंगे, सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके आएंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, d > 0 करेंगे, उससे वाई में एक इनइक्वालिटी बनेगा, तो जो वाई की वैल्यूज आएंगी दैट इज नथिंग बट अ रेंज। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर फिर आप बोल रहे थे कि कुछ क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल ये चीज है क्या है, तो एक काम करते हैं इसको मैं पूरा ही सॉल्व करता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको लिखा मैंने y² + 6y = x² + 4x + 11, तो उधर लेके जाता हूँ, चलो x² + x × 4 - y + 11 - 6y = 0, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक आ गया x में, इसका d > 0, तो 4 - y² - 4 × 11 - 6y > 0, इसको तुम सॉल्व करो, ठीक है ना, इसको तुम लोग सॉल्व करो, मैं अब क्रिटिकल चीज बता रहा हूँ, देखना क्या है कि इसमें क्रिटिकल ये है कि जो फैक्टर मैंने कैंसिल किया ना, जो फैक्टर मैंने कैंसिल किया, देखो x = 1, इसमें x = 1 डालने पे जो वैल्यू आ रही है, सुनना ध्यान से, बहुत क्रिटिकल है,
मैंने क्या करूंगा, देखो पहले मैं मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है? पहले मैं एक बार मेथड बता देता हूँ, तो हो सकता है उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर जल्दी समझ में आएगा, कि क्योंकि थोड़ा सा बहुत घुमाव है क्वेश्चन में, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में। क्या किया, जो मैंने फैक्टर कैंसिल किया था ना, एक्स इज इक्वल टू वन, वो मैंने इसमें डाला, तो मेरा क्या आया, एक मिनट, पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को रीजन बताऊंगा। तो मैंने लिखा 1 + 4 = 5, 5 + 11 = 16 अपॉन 1 + 6 = 7, मैंने y इज इक्वल टू ये लिखा, ठीक है? अब मैंने ये जो एक्सप्रेशन है ना 16/7, दोबारा इसको इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 1 अपॉन x + 6। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो पक्का x इज इक्वल टू 1 तो आएगा ही आएगा, ऐसे लिख लो, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। बट यू कैन सी कि क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो एक्स की एक और वैल्यू आएगी, तो लेट से एक्स इज इक्वल टू कुछ अल्फा एक और आएगा, अगर 1 ही आ गया सेम, क्या हो सकता है इसकी वैल्यू, या तो 1 होगी या फिर कुछ और होगी, बट एक रूट रियल आ गया तो दूसरा पक्का रियल आएगा, क्योंकि इधर क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो या तो ये 1 होगा या 1 नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होगी बट रियल होगी, इतना पक्का है। इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर मान लो इफ, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, इसमें 1 तो नहीं रख सकते, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई थी, वो जो वैल्यू है वो हमें किसी और एक्स पे भी मिल रही है, इसका मतलब 16/7 हमारे रेंज में आएगा। सुनना एक बार और सुनना, जैसे मान लो मैंने इसका रेंज निकाला और उसमें मेरा 16/7 आया, 16/7 इस इंटरवल में कहीं तो आया, ठीक है? अब मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली 16/7 इज माय आंसर और नॉट। उसके लिए क्या किया, क्योंकि देखो 16/7 हमारा किसका आंसर आया है, बेसिकली इसका आया है, इसका नहीं आया है, क्योंकि हम इसमें 1 तो रख सकते हैं ना, इसमें हम 1 नहीं रख सकते हैं, हमने इसमें 1 रख के देखा 16/7 आ रहा है। अब मान लो मैंने मैंने क्या किया, इसका आंसर निकाला, इसमें 16/7 आ गया, 16/7 आ गया, बट मैं वो 16/7 अभी इसका आंसर नहीं बोलूंगा, क्या करूंगा मैं, ये 16/7 इस पे इक्वेट करके आई विल सी क्या कोई और एक्स भी है जिसपे मुझे 16/7 मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मिल रहा है तो वो मेरा रेंज का पार्ट हो जाएगा, समझ में आया? अगर वो 16/7 केवल और केवल एक्स इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इसका तो पार्ट है, इसका नहीं है, और मुझे इसका निकालना है, हेंस आई विल रिमूव 16/7 फ्रॉम रेंज ऑफ दिस। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेस्ट पार्ट बोलूंगा, अभी तक का जितने भी हमने कैलकुलस पढ़ा ना, उसमें सबसे बेस्ट पार्ट है ये, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा लॉजिकल पार्ट है। एक बार और बोलता हूँ, सुनना, क्या किया हमने, एक फैक्टर कैंसिल किया, ठीक है? अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर नहीं होता है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें 1 नहीं रख सकते, इसमें 1 रख सकते हैं, तो ऑफकोर्स दोनों फंक्शन बराबर तो है नहीं, तो मैं, और जो मैं रेंज निकाल रहा हूं इसको कैंसिल करने के बाद, वो तो मैं इसकी निकाल रहा हूं ना, बट मुझे तो इसकी बताना है, ठीक है? तो क्या किया, पहले तो हमने इसकी रेंज निकाल ली, ठीक है? अब मैंने देखा कि जो मैंने फैक्टर कैंसिल किया था, जो मैं वैल्यू इसमें नहीं रख सकता था, दैट इज एक्स इक्वल टू 1, उससे इधर से वाई क्या मिल रहा है, वो वाई मैंने इसको इक्वेट करके, जब मैंने इसको इक्वेट किया तो पक्का एक्स इज इक्वल टू 1 तो मिलेगा, क्योंकि वाई इज इक्वल टू जो मेरा आया 16/7, वो इधर 1 रखने पर ही तो आया, तो पक्का एक्स इज इक्वल टू 1 तो आएगा ही आएगा। अब मैं बोल रहा हूं अगर x इज इक्वल टू 1 के अलावा कोई और 1 आया, कोई और x आया 1 के अलावा, तब मैं क्या बोलूंगा, 16/7 मुझे किसी और x के लिए भी मिल रही है, मतलब x इज इक्वल टू लेट्स से 5 के लिए मिल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है 1 मैं इसमें नहीं रख सकता था, बट 5 तो रख सकता हूं, 5 के करस्पॉन्डिंग मुझे 16/7 मिल जाएगा, हेंस मैं 16/7 को पार्ट ऑफ रेंज बोलूंगा। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको इसके इक्वेट किया और मुझे दोबारा x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 1 रिपीटेड रूट्स मिल गए, इसका मतलब क्या होगा मेरा कि जो 16/7 है ना, वो केवल x इजिकल टू 1 रखने पे मिल रहा है इसमें, और 1 मैं इसमें नहीं रख सकता और मुझे निकालना इसकी रेंज है, हेंस 16/7 शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मैंने काफी एम्फसाइज कर दिया है, अगर नहीं आता है तो रिमाइंड करो, जो मैंने अभी प्रीवियसली बस इसी का एक्सप्लेनेशन को बार बार 2-3 बार सुनोगे रिमाइंड करके, अपने आप क्लियर हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता है फील फ्री टू आस्क मी,
तुरंत पूछना, ये लेक्चर जब तुम देख रहे होगे उसी वक्त तुम कॉल करके पूछो, भले कॉल करके पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, बट ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जो भी स्टूडेंट मेरे टच में है, एटलीस्ट मैंने जैसे आज भी व्हाट्सएप किया था, ठीक है ना, कुछ ही स्टूडेंट है, पांच है, चार या पांच ही स्टूडेंट्स जो रेगुलरली मुझे अपडेट करते हैं, बाकी का कोई अपडेट नहीं आता है। आई नेम इट रविराज, मोहम्मद और फुरकान और हमारा आकाश, ये चारों के अलावा कोई अपडेट कुछ नहीं करता है। पहले कर भी थे भी थोड़े बहुत करते थे, बट उसके बाद तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तो पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट मेहनत करो, ठीक है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास अभी, ठीक है ना। चलो फिर ये समझ में आया मेथड। चलो एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, उसको एज ए होमवर्क तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो फिर हम आज का लेक्चर इधर एंड अप करेंगे। तो एग्जाम्पल लिख लो होमवर्क के लिए, मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, एक जस्ट अ सेकेंड, एक्स वन थ्री, ठीक है, नाइन माइनस 20, ठीक है, सम ऑफ रूट 402 और दैट करेक्ट, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको तुम होमवर्क करना, इसका रेंज निकालना, इसमें वही फैक्टर वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।